से शरद यादव मुकेश सहनी। बैठक में हुआ क्या सर, ये बताइए। बैठक कितना महत्वपूर्ण था बिहार के राजनीति के लिए आज? ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, इसकी आवश्यकता हम लोग बहुत पहले से महसूस कर रहे थे। सब अलग अलग बात कुछ बोलते थे, ये बात सही है कि हम लोग हर हालत में NDA को हराना चाहते हैं, शिकस्त देना चाहते हैं। उदाहरण हम लोग देते हैं कि झारखंड में जब महागठबंधन एक हुआ और पहले से प्लानिंग करके चुनाव लड़ा तो वहाँ जीत हुई, लेकिन दिल्ली में अपना अपना डफली अपना अपना राग अपनाए तो आज वहाँ हार हुई। आज बिहार की स्थिति आई है, हम लोग अलग अलग होकर के अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप में हम लोगों को पराजय का सामना करना पड़ेगा। पराजय नहीं हो इसके लिए सांगोपांग इस पर चर्चा हुई और कुछ आदमी अधिकृत किए गए हैं कुछ लोगों से बात करने का, और बाकी बातें हम लोग किया आप लोगों ने अभी कैसे कर रहे हैं। अभी जब 18 तारीख को हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। माझी जी, क्या इस बात पर भी आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बिहार महागठबंधन में शामिल कराया जाए और अरविंद केजरीवाल जी और तमाम लोग एक मंच पर बिहार में आकर के चुनाव लड़े? सारी बातों की चर्चा 18 को तक बात करेंगे, अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग एक दूसरे से कटिबद्ध हैं आज की बातों पर, तो क्या उनके साथ भी आप लोग बातचीत? हमको ना पता है कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन 18 के बाद हम लोग इस पर बात। अच्छा मांझी जी, ये बता दीजिए कि क्या तेजस्वी के नाम पर सहमति है या अभी नामों पर चर्चा होगी तमाम नामों पर? जैसे वो पहले का स्टैंड है वही स्टैंड है, आज की चर्चा या आने वाले दिन में जो भी बातें होगी 18 को हम पहले का स्टैंड मतलब अभी नाम पर चर्चा होगी, अब देखा जाएगा 18 को सब चिन्ह होगा। अब तो बहुत समय कम है ना, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग भोज के आगे कोहरा न मुएंगे।